हेलो फ्रेंड्स, मीना कुक्स में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं फ्रूट सैलेड। ये फ्रूट सैलेड बहुत ही क्रीमी बनता है और बहुत ही टेस्टी और दिखने में भी बहुत ही अच्छा है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। आइए बनाते हैं फ्रूट सैलेड। आज हम फ्रूट सैलेड बनाएंगे, जिसके लिए ये 1.5 लीटर दूध हमने लिया है। ये हमने गर्म करके ठंडा करके लिया है। मैं इसमें से 1.25 लीटर दूध निकाल लेती हूँ। पहले और बाकी का दूध हम गैस पे बॉईल करने के लिए रखेंगे। 150 ग्राम हमने शक्कर ली है, ये हम ये दूध में ऐड करते हैं और दूध को अच्छे से उबलने देते हैं। ये गर्म करके ठंडा किया हुआ दूध है, इसलिए इसमें मलाई भी साथ में है। जब तक हमारा दूध गर्म हो रहा है, ये जो 1.25 लीटर दूध हमने बाजू में निकाला है, इसमें हम ये मैं ब्राउन एंड पोलसन का कस्टर्ड पाउडर यूज़ कर रही हूँ। ये हम इसमें पाउडर ऐड करेंगे दूध में धीरे धीरे से। ये देखिए, ये हमने 75 ग्राम कस्टर्ड पाउडर लिया है और अगर स्पून से आप मेजर करते हो तो 7.5 चम्मच हमें, टेबल स्पून हमें ये कस्टर्ड पाउडर लेनी है। मैं अभी ये दूध में ऐड करती हूँ। ये मैंने वैनिला फ्लेवर लिया है, इसमें स्ट्रॉबेरी भी आता है, चॉकलेट भी आता है। आपको जो पसंद है उस फ्लेवर का आप बना सकते हो। ये देखिए, ये हमारा कस्टर्ड पाउडर पूरी तरह से मिक्स हो चुका है इस दूध में। अभी हम दूध बॉईल होने के बाद उसे नीचे उतार लेंगे और ये मिक्सचर में मिक्स करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी हमारे दूध को उबल आ चुका है। हम गैस का फ्लेम ऑफ कर लेते हैं और ये जो पेस्ट हमने बनाई थी इसको वापस से एक बार अच्छे से हिला के इसको हम ये दूध में ऐड करेंगे। पर गैस का फ्लेम हमने ऑफ कर लिया है। ये देखिए, ये डाल के हम इसे अच्छे से हिला लेते हैं और वापस से गैस का फ्लेम हम ऑन कर लेते हैं। ये गैस का फ्लेम हमने ऑन कर लिया है। अभी हम इसे 3-4 मिनट के लिए बॉईल होने देंगे। ये देखिए, हमारा मिक्सचर कितना क्रीमी और बिल्कुल लम्स फ्री तैयार हुआ है और इसे हमने 3-4 मिनट के लिए गैस पे रखा था। अभी हम गैस का फ्लेम ऑफ कर लेते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। सुबह में हमने जो कस्टर्ड बनाया था फ्रूट सैलेड के लिए, उसमें से मैंने थोड़ा कस्टर्ड निकाल लिया है। बाकी का मैं 2-3 दिन में यूज़ करूँगी, जैसे जैसे लगेगा वैसे। और ये हम थोड़ा सा दूध डाल के उसमें क्रीमी बनाएंगे, उसको बीट करके। उसके लिए हमने थोड़े फ्रूट्स लिए हैं, आप अपनी चॉइस के अनुसार फ्रूट्स ले सकते हैं। ये मैंने एप्पल लिया है, अंगूर लिया है, केला लिया है, डालिम लिया है, पोमोग्रेनेट और चिक्कू लिया है। और ये कुछ हमने ऊपर डालने के लिए ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, ये भी हम टूटी फ्रूटी भी ऊपर से यूज़ करेंगे और कुछ मैंगो आइसक्रीम इसमें डालेंगे। तो आइए पहले हम इसे थोड़ा सा बीट करके क्रीमी बना लेते हैं। ये हम इसे बीटर से बीट करेंगे, आप ऐसे विस्कर से भी इसको विस्क कर सकते हैं। ये क्रीमी बनाने के लिए हम कर रहे हैं। ये देखिए, हम इसको थोड़ा सा ये जैसा जैसे लगेगा वैसे वैसे हम इसमें दूध ऐड करते जाएंगे। पूरा नहीं यूज़ करना है हमें, सिर्फ क्रीमी बनाने के लिए जितना लगेगा उतना ही हमें डालना है।
हमारा बीट करके हो गया है। ये देखिए फ्रेंड्स कितना क्रीमी बना है वो। ये देखिए अभी इसमें हम थोड़े थोड़े फ्रूट्स ऐड करेंगे, जैसे आपको पसंद है उस हिसाब से आप ऐड कीजिए, कम ज्यादा। अभी हम सभी चीजें मिक्स कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स सभी कलर के फ्रूट्स हमने लिए हैं, इसलिए इसका कलर बहुत ही अच्छा आएगा। अभी हम डिश में निकाल लेते हैं सर्विंग डिश में, अब मैं आपको दिखाती हूँ। उसके साथ में हम आइसक्रीम भी डालेंगे उसके ऊपर। ये हमने इसके ऊपर मैंगो आइसक्रीम डाल लिया है और ये कुछ टूटी फूटी डालेंगे। मैंने अलग अलग कलर के लिए हैं, अच्छा दिखता है इससे। और हम कुछ ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड करेंगे। ये मैंने काजू बादाम है जिसका छिलका निकाल के बादाम का उसको थोड़े टाइम भिगो के रखा था। ये सिर्फ डेकोरेशन के लिए हम कुछ पोमोग्रेनेट है ये ऊपर से डाल रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स ये हमारा कस्टर्ड बन के तैयार हो चुका है। ये बहुत ही अच्छा बना है, एकदम क्रीमी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।